गाइस, मैं उलीशा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यू न्यूज में। गाइस, आज हम देश के लोह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन की उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नेहरू की सोच से अलग हटकर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के काम को पूरा करने का मन बना लिया था। पहले हम सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं, जिसे कांग्रेस द्वारा किताबों से दूर रखा गया। सोमनाथ का मंदिर भारत के गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल शहर में मौजूद है। सोमनाथ का ये मंदिर समुद्र के पास ही है, वर्तमान समय में ये बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के विरोध के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बनाया गया था। इतिहास में इस मंदिर का निर्माण कई बार हुआ था, लेकिन हर बार इसे मुस्लिम शासक आकर तोड़ देते थे। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं सोमराज यानी चंद्र देवता ने किया था। हिंदू कथाओं के अनुसार चंद्र देवता ने दक्ष प्रजापति जी की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन उन 27 पुत्रियों में से वे रोहिणी को ही सबसे अधिक प्रेम करते थे। अपनी बाकी की 26 पुत्रियों के साथ अन्याय होता देख दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि अब तुम्हारा तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर चंद्रदेव के सामने आए तो उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने का फल मांग लिया। माना जाता है कि तब भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा कि आज से 15 सूर्य अस्त के बाद तक तुम्हारा तेज कम होता जाएगा और अगले 15 सूर्य अस्त के बाद तुम्हारा तेज बढ़ता जाएगा। इस श्राप से मुक्ति पाने के बाद से ही चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। बताया जाता है कि सोमनाथ के मंदिर को सोने से बनाया गया था और सोम का अर्थ चंद्रमा और नाथ का अर्थ भगवान। सोमनाथ मंदिर के बारे में ये भी धारणा है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। सोमनाथ मंदिर पहली बार कब बना था, इसकी किसी भी तरह की कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस बात के प्रमाण है कि 649 ईस्वी में वेल्भी के मैत्रिक राजाओं ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था, परंतु सिंध प्रांत के मुस्लिम सूबेदार अल जुनेद ने इसे 725 ईस्वी में तुड़वा दिया था। प्रतिहार के राजा नागभट्ट ने 825 ईस्वी में इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। इस मंदिर की धन दौलत की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी अपने 5000 सैनिकों के साथ आकर मंदिर को लूट ले गया। लेकिन इस लूटपाट के बीच मंदिर के आसपास रहते 25,000 हिंदुओं का कत्लेआम भी किया गया। महमूद गजनवी के लूट लेने के बाद राजा भीमदेव ने इसे दोबारा बनवाया और उसके बाद 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने मंदिर के पवित्रीकरण और प्रतिष्ठा में भरपूर सहयोग दिया। इसके बाद विजेश्वर कुमार पाल और सौराष्ट्र के राजा खंगार ने 1168 ईस्वी में इस मंदिर का सौंदर्यकरण करवाया था। जब दिल्ली की सल्तनत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में लगी तो उसके सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर 1257 ईस्वी में हमला कर दिया। इस हमले में उसने मंदिर को तो लूटा ही, साथ में उसने शिव के प्रतीक यानी शिवलिंग को भी खंडित कर दिया। ऐसे में हिंदू राजाओं ने कई बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और कई बार मुस्लिम राजाओं ने इस मंदिर को तुड़वा दिया। इसी बीच 1395 में गुजरात में मुजफ्फर शाह का राज आया और उसने इस मंदिर को जमकर लूटा। इसके बाद 1413 ईस्वी में सत्ता बदली और अब सुल्तान की कुर्सी पर उसका पुत्र अहमद शाह विराजमान हुआ, लेकिन मंदिर की लूटपाट अभी भी बंद नहीं हुई। मुसलमानों के महान शासक औरंगजेब के काल में भी सोमनाथ का मंदिर दो बार तोड़ा गया था। 1665 में मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब को सूचना मिली कि हिंदुओं ने वह दोबारा पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी है, तो 1706 ईस्वी में फिर से मंदिर को तोड़वाया गया
और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को जान से मार दिया गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मराठाओं के हिस्से में अधिकांश भारत का हिस्सा आ गया था। उस वक्त 1783 ईस्वी में इंदौर की मराठा रानी ने अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक नया सोमनाथ का मंदिर तैयार करवाया गया था, जिसके बाद वे हिंदू लोगों ने दोबारा पूजा अर्चना शुरू कर दी। मूल मंदिर को वैसा का वैसे ही रहने दिया। इसके बाद 9 नवंबर 1947 में जूनागढ़ को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में शामिल करवा लिया था। इसके बाद सोमनाथ मंदिर का दौरा करते हुए नजदीक समुद्र के पानी को हाथ में लेकर उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। नेहरू के विरोध के बावजूद 1950 में इस मंदिर का बनना शुरू हुआ, जिसके बाद 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और 1952 में मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। गाइस, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।